जय हिंद साथियों, मैं आर्चर अमित कुमार। आज के वीडियो में बताने वाला हूं मैं कि इंडियन राउंड का जो बो होता है उसका एरो किस तरह से बनाएं, परफेक्ट एरो किस तरह से बनाएं। बनाने के लिए क्या क्या सामान का ज़रूरत पड़ेगा हमको वो आप लोग को बताते हैं। ये दो ड्रिल बिट है, एक 4 mm का जो नॉक के लिए काम आएगा, एक 3 mm का है जो पॉइंट लगाने के लिए काम आएगा। ये किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाता है। अगर MM आपको पता ना हो तो आप दुकानदार को यह दिखाएं, वो इसको देख करके आपको ड्रिल बिट दे देगा। ये हो गया हमारा एरोसाफ्ट। एरोसाफ्ट में दो तरह का आता है, एक तरह का एरो तो इस तरह का होगा आपका, जिसमें आगे तरफ मोटा होगा और पीछे तरफ से पतला होगा। इसको तो आप आराम से देख लेंगे, बहुत आसानी से जान जाएंगे इसमें कि पॉइंट किधर लगाना, नोक किधर लगाना है। मोटे भाग के तरफ में इसको जो है पॉइंट लगता है और पतले भाग के तरफ नोक लगाते हैं हम लोग। लेकिन कुछ एरो स्टिक ऐसा आता है कि पीछे और आगे आपको पता नहीं चल पाया कि मतलब किधर पॉइंट लगाएं किधर नोक लगाएं। तो चलिए उसका भी बहुत सिंपल आइडिया बताते हैं जो आप लोग देख लेंगे नज़दीक आ जाए। ये जब ये बैम्बू होता है इस तरह से जब उगता है ज़मीन से, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो इस तरह से उगते हैं ऊपर से। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, नज़दीक कर लो, इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये ऊपर की ओर जिस तरफ से आपको ये नज़र आएगा, थोड़ा सा खड्डा है तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब इधर हमारा नॉक लगेगा ऊपर में, और इसके अपोजिट में साइड में पॉइंट लगाएंगे हम लोग इधर साइड में। एक और बात है जो एरो बनाने के पहले ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एरो का सेंटर एक ये होता है, जैसे इसका हमने ये 30 इंच का यह है एरो, इसको 15 पर मैंने मार्क कर दिया। ये हो गया इसका बीच का हिस्सा, एक हो गया इसका पूरा लेंथ का बीच का हिस्सा। एक सेंटर और होता है एरो में जो बताना ज़रूरी है आपको, वेट सेंटर होता है इस तरह का से। एक हो गया लेंथ सेंटर, ये इसका आ गया आपका वेट सेंटर। तो ये वेट सेंटर थोड़ा सा आगे में आता है। अगर ये लेंथ सेंटर से वेट सेंटर जितना इसके करीब हो उतना एरो अच्छा होता है, नहीं तो 1 से 1.5 इंची का इधर उधर हो तो चलेगा। और एरो बनाते समय एरो का जो चुनाव होता है एरो स्टिक का, वो इसका जो टेंशन होता है वो सबका इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर एक टेंशन जिसमें कम होगा वो लो पाउंड धनुष में चलेगा, बहुत से चलेगा, अच्छा टेंशन हार्ड हो वो हाई पाउंड में चलेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एरो बनाते हुए टाइम में। एरो को चेक करना बहुत ज़रूरी है कहीं से टेढ़ा तो नहीं है, तो इस तरीक़े से देखेंगे हम लोग, इस तरह से घुमा घुमा के देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ टेढ़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर से, तो मोमबत्ती की मदद से उसको सीधा करेंगे। ज़्यादा हिट नहीं करना है, थोड़ा सा हिट करना है। अपोजिट साइड में थोड़ा सा अंगूठी की मदद से करना है, इसका ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा।
दोनों तरफ चेक करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ से भी तेरा नज़र आ रहा है, इसको हम लोग करेंगे। ये एरो स्टिक हम लोग का पूरा सीधा हो चुका है, इसे एरो बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। कटिंग करने के बाद इसको सरफेस को बराबर करने के लिए इस सरेस की ज़रूरत है। दो तरह का है, एक मोटा है एक पतला वाला हमारे पास है। तरह से कर लेंगे बराबर इसको। ये बराबर हो गया है। अब ये है 3 mm का बिट, बिल्कुल ड्रिल सीधे करना है। इसमें तो पहले से ही हॉल है, इधर पॉइंट लगाना है इस तरह से। चलिए उसके इधर हम लोग नॉक लगाएंगे। नॉक लगाने पहले हम लोग इसको बीटिंग करेंगे 4 mm का ड्रिल इस तरह से, तो ये फटने का डर होता है इसको। इससे पहले थोड़ा सा उसको सर्विंग कर देंगे। धागा है इस तरह से, इसमें धागा लेंगे। ध्यान रहे कि धागा एक के ऊपर एक ना आए, बिल्कुल धागे का एक लेयर ही इस पर जाए। इतना ही आएगा। धागा के बाद थोड़ा सा फ्री किक लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ दे देंगे। पूरा गम लगा दिए इसमें। ये हमने ब्लू धागे का इस्तेमाल किया क्योंकि नॉक ब्लू है, देखने में अच्छा लगता है। ये सूख गया। अब 220 नंबर का ये सैंड पेपर है और ये है 320 नंबर का। तो पहले ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तो थोड़ा सा इस पर ऐसी हो जाएगा। फिर पतले वाले से घुमाना है गोल गोल। ये कंप्लीट हो गया। इसको दोबारा से दे देंगे थोड़ा सा। दोबारा लगाने के बाद देख रहे हैं इसमें चमक आ गया है। अब इसको छोड़ करके हम लोग पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, तब तक उधर सूख जाएगा वो। इस तरफ पॉइंट लगाते हैं, 3 mm का बीट है, इसको लगाएंगे। ध्यान रहे बिल्कुल सीधा ड्रिल करना है। ये होल हो गया इसमें, इसमें ही हमारा ये पॉइंट लगेगा, देख रहे हैं। देख रहे हैं इससे ज़्यादा ये कुछ ओवर हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा
इस तरह से बराबर गोल हो जाएगा। ये बराबर फिट आ गया है इसमें, जीरो लाइट है, इससे काफ़ी मजबूत सटता है, चिपकता है। जो फेवी किक से नहीं चिपकाना चाहिए, फेवी किक से चिपकाने में वो कभी कभी अंदर ही रह जाता है। इस तरह से दोनों को मिलाएंगे और आपको इसके बाद बताऊंगा फ्लैच पेपर कहां से आपको फ्री में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से पॉइंट में लगा करके, ये हमारा है, इस तरह से इसमें इसको सेट कर देंगे। ध्यान रहे ये सेट करने के बाद बिल्कुल सीध में हो, ये अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपको थोड़ा परेशानी होगी शूटिंग में, बिल्कुल सीध में होना चाहिए। इसको सूखने में कम से कम 6 घंटे का टाइम लगता है। ये हमारा पॉइंट सूख चुका है यहाँ पे, अब इधर हम लोग को नॉक लगाना है। नॉक की तरफ 4 mm के ड्रिल बिट से करेंगे, ध्यान रहे बहुत सावधानी से सीधे करना है, बिल्कुल सीधा ड्रिल हो गया। इधर में हमारा ये नॉक है, ये फिट हो गया, देखिए इधर नॉक फिट हो गया हम लोग का, इधर पॉइंट फिट हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है फ्लैच लगाने के लिए, तो आपको हम बताने वाले थे कि फ्लैच आप लोग को कहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा, फ्री में भी मिल सकता है फ्लैच पेपर। ये किसी भी मोबाइल शॉप पे आप जाएंगे तो ये ख़राब डिस्प्ले जो होता है पुराना वाला, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको साइड रखते हैं। ये डिस्प्ले है, इससे फ्लैच पेपर निकलेगा अंदर से, बहुत सावधानी से करना है ये। बहुत सावधानी से निकालना है क्योंकि शीशा होता है तो हाथ कटने का डर है। ये देखिए ये हम लोग का फ्लैच पेपर इसमें से मिल जाता है। सभी काम में नहीं आता है, दो ही काम में आएगा, ये वाला एक आपको ये वाला काम में आएगा। फ्लैच बनाना भी बिल्कुल आसान है, ये जिस साइज का फ्लैच चाहिए हमें उसका एक इस तरह से बना लिए हैं, तो इसको इस तरह से रखना है। ये ख़राब मोबाइल के डिस्प्ले है उससे जो निकाला गया है ये फ्लैच पेपर, निकाल लेते हैं।
ये हमारा फ्लैच पेपर रेडी है। इस तरह से इसको रखेंगे, एरो कटिंग का बचा हुआ टुकड़ा है, इस पे इस तरह से रखेंगे हम लोग। और ध्यान रहे कि ये सीधा वाला जो भाग है ये ऊपर रहेगा, इस तरह से इस पे रखना है। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देना है इस तरह से, स्लो टेप है, आप धागा भी बांध सकते हैं इसमें। इस तरह से हो गया। उसके बाद में फिर खोलते हुए पानी में बस 2 मिनट के लिए इसको आपको डाल देना है उसमें, खोलते हुए पानी से फिर निकाल लेना है हम लोग को। उसके बाद आपका इस तरीके का फ्लैच तैयार हो जाएगा। ये एरो है और अब स्केल की मदद से हम लोग के 1 इंची की दूरी रखना है यहाँ से, यहाँ से भी 1 इंच का दूरी रख सकते हैं जो कि यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो कि फ्लैच बराबर 3 भाग में नहीं लगा हुआ होता है, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप एक बीच में टिक कर दें, उसके बाद उसके सामने ठीक सामने एक टिक कर दें, उसके बाद ये जो नॉक है उसका 2 भाग है इधर इधर, उसके बिल्कुल ठीक सामने एक धागी मार दें, फिर उसके जस्ट सामने यहाँ पर लगा दें, तो ये 3 भाग में हमारा ये निकल जाता है। इसे हमने फेवी बॉन्ड से चिपका दिया है और इंडियन राउंड बो का हम लोग का ये एरो फुली कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ बताना है, ये जो खड्डा दिख रहा है थोड़ा सा, ये सब यहाँ पर फेवी किक के द्वारा थोड़ा सा बॉर्डर से इसको प्लेन कर सकते हैं, और थोड़ा सा जब खुरदरा हो जाए तो सैंड पेपर से उसको इस तरह से कर देंगे तो ठीक होगा। या तो फिर उसका एक सॉल्यूशन और है, ये होता है बस इतना सा काफी, दोनों बराबर भाग में ले लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये जो गांठे होता है, इस गांठे को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप खींचेंगे ये पीछे आएगा तो क्लिकर को ये अपने साथ में ही पीछे कर देगा, इसलिए इसको स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पर जो गड्ढा है उसको थोड़ा सा जो साफ कर लेंगे, और बहुत ही थोड़ा सा लगता है इसलिए ज़्यादा वेट वगैरह नहीं बढ़ता है इसका। इस तरह से लगा दिए, यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। जब सूख जाए, इसको 1 घंटा से 2 घंटा लग जाता है सूखने में, जब सूख जाए तो फिर से सैंड पेपर से इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे। ये हम लोग का एरो हो गया तैयार चलने के लिए। फ्रेंड्स साथियों, अगले वीडियो में
मैं बताऊंगा ट्रेडिशनल एरो किस तरह से बनाया जाता है, ये किसी पक्षी का पंख से बनाए हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।